Darjeeling, the land of thunderbolt and of tea. So come along with me and I will show you how this place is blessed with nature. तो बाबा आज कहाँ पे आ गए अपन दोनों? हम लोग करसोंग में आए। करसोंग में? गिरने आए। Pedras velhas que são casas para quem quiser passar. तो यह आ गया अपना मैगी। क्या हो गया? टायर नीचे उतर गया क्या? अभी सीधा और सीधा। ये पूरा अपना करसोंग सिटी दिख रहा है ना बाबा? देखो करसोंग। We spent our days exploring the village and the surrounding areas, soaking in the beauty of nature and enjoying the peace and quiet. And the best part was that we were just an hour trek away from Sikkim, so we got to experience the best of both worlds. कौन सा टाउन है? सोनादा टाउन। ये अपना करसोंग रेलवे स्टेशन है ना? रेल ट्रैक तो पूरा वही यहाँ पे लग गया जाम, तो हम लोग थोड़ा सा पैदल निकल लिए हैं। इधर पे एक रेलवे स्टेशन है, वो दिखाते हैं। वो एशिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। सो ये देखो पूरा आपको पीछे जाम दिख रहा होगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि सब लोग अपनी लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि रोड इतनी नैरो है, अगर यहाँ वहाँ गए तो पूरा और जाम हो जाएगा। अंदर रेलवे स्टेशन के पास आ जाओ, ट्रेन खड़ी है, बढ़िया नज़ारा है। सो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एशिया के सबसे ऊँचे रेलवे स्टेशन पर, और ये दार्जिलिंग में है। पीछे आपको दिख रहा होगा एक ट्रेन खड़ी है। तो अभी इतना ट्रैफिक है, अगर आप उस तरफ देखोगे तो वो हमारा रोड है, और दार्जिलिंग यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है, लेकिन अभी हम लोग जा नहीं सकते, पूरा रोड जाम है। तो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। ये बोलते हैं DHR, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और मौसम भी थोड़ा थोड़ा, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं मौसम ठंडा होते जा रहा है। और ये स्टेशन बेसिकली, इसको बोलते हैं घूम, अगर आपको दिख रहा होगा, घूम म्यूज़ियम, घूम रेलवे स्टेशन, और बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। However, we decided not to stay in Darjeeling because it was quite crowded, especially during the peak tourist season. Instead, we ventured out to a small village called Badamtam, which was 11 kilometers away from Darjeeling. It took us about an hour by car and then another 30 minutes of trekking down to reach our destination. Tiger bhi milega. हाँ, टाइगर भी मिलेगा, डियर, हाँ जी, जैकल हो गया, और वो वाइल्ड पिक है ना वो, और ये टी गार्डन में तो आपको बहुत मिलेगा। अच्छा, गाय बकरा भी है? हाँ जी, गाय। अरे वाह यार, इधर से भी आप लोग गैंगटॉक, कालिम्पोंग, पेलिंग जा सकते हैं। अच्छा, वो डैडी आपके, वो भी काम में लगे हुए हैं। नमस्ते, हम मध्य प्रदेश, ये भाई उत्तर प्रदेश। सो गाइस, रूट बहुत ही सिंपल था। हम लोग बेंगलोर से चले, बेंगलोर से आई टुक अ फ्लाइट टू कोलकाता, फ्रॉम द फ्लाइट आई टुक अ ट्रेन टू न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी से डायरेक्ट हम लोग एक कैब में बैठकर हम लोग पहुँच गए दार्जिलिंग। अभी दार्जिलिंग में क्या है कि यहाँ पे एक जगह है कॉल लपंग, और लपंग से फिर हम लोग ट्रैक करके करीब आई थिंक आधा घंटे का ट्रैक था, जब टू ट्रैक डाउन and we came to this beautiful place. So I'll show you the place in the video. Hi guys and welcome to day 2 of Darjeeling. So currently हम लोग सरल भाई के साथ, जो हमारे host है होम स्टे के, उनके साथ ट्रैक पे आए हैं। एंड टुडे वी वोक अप समथिंग अराउंड 5:30, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइज़। ये देखो,
पूरे जंगल में सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग अभी थोड़ा आगे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग सम शॉट्स हेयर, और बहुत मस्त लग रहा है। तो चलो जा सकते हैं सिक्किम। हाँ जी, जब जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग का एक घंटा लगेगा। सिक्किम घुस जाएंगे अंदर। हाँ जी। हाँ, वो देखो ईगल। लेकिन हमारे आदमी लोग क्या करते हैं, देखिए ना वो यार, उतरने में तो उतर जाते हैं अच्छे से, चढ़ाई में हालत खराब हो जाती है हमारी। और सुबह आ गया ना, जब वो रात और दिन का बीच में होता ना, तो इतना मजा आता है। ये देखिए छोटा छोटा ऑरेंज का। अच्छा, ये बड़ा होते अक्टूबर नवंबर में रेडी हो जाएगा। इसी का चाय बनता है ना ये। अच्छा। हाँ जी, इसका ड्राई मतलब इसको थोड़ा सुखाता है, हवा में सुखाएगा और नरम बनाएगा, उसके बाद फिर मशीन में करेगा। हम घर में कैसे करेगा मालूम, प्लकिंग करेगा थोड़ा, उसको ड्रायर सुखा देगा हवा में। हाँ, तो उसका ये नरम हो जाएगा, तो बाद में हाथ साफ करके इसको ऐसे करेगा, मारेगा ऐसे करके। और इसका एक पॉलीथीन बैग में उसका लगा के थोड़ा हवा नहीं घुसना है, बंद करके मैरिनेट करके उसको वन नाइट ऐसा रखना है, कल सुबह फिर उसको निकाल के थोड़ा सुखाना है, तो रेडी हो जाता है। वो ऑर्गेनिक चाय है जो हैंडमेड घर में बनाता है ना ऐसे। ये बगेना है, ये बगेना बोलता है, ये एक नीम का ही जाति है, तो इससे मेडिसिन हो गया है, तो मलेरिया ख़त्म। अभी ये फैल के जिधर भी बहुत हो सब गया, जगह लग गया। अपना तो दरवाजा भी खुला रहा, मच्छर नहीं आ रहा था। उधर दिल्ली में तो बात है ना, उठा के ले जाते वहाँ। तो ये फर्न है ना, बेबी फर्न। हाँ, बेबी फर्न खाता है। तो इसको मतलब क्या पका के खाते हैं? हाँ, पका के खाता है ना, सब्जी बना के, वो जैसे साग जैसा। अरे, हम लोग मतलब लगाते हैं इसको, ये नहीं मालूम था कि खाते भी है, फर्न को खाया जा रहा है। क्या बात है, मतलब नेचर में सब है खाने के लिए, खाना पीना सब मिलेगा। ये भी पूरा गुड ट्रिक का है, चाय का गुड ट्रिक टी। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू अनवाइंड एंड रिकनेक्ट विद नेचर, देन बदामतम इज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। ये पहाड़ी का पानी है, ये अंदर से खुद निकल के आता है, और अभी ड्राई सीजन है इसलिए ये कम है। गजल लिखी आएगी, गजल लिखी आएगी, अधूरी कहानियां पूरी की। ये बढ़िया था, उसी फंड के नीचे है पूरा पानी, इसमें होगा रिस्टोर। तो अभी जहाँ ट्राई कर दो पानी आवला। बढ़िया टेस्ट है यार, टेस्टी है। कितने दिन बाद, कितने सालों बाद आए ट्रिप पे? 10 साल बाद। And let me tell you, it was worth the effort. Badam Tham is a hidden gem that is still largely undiscovered by tourists. The village is nested among the rolling hills and offers stunning views of the surrounding landscape. But what truly made our stay memorable was our host. Saral was warm, welcoming, and went out his way to make us feel at home. अंकल ने पूरा हट बना दिया है, देखो पूरा शेप दे दिया है, और वहाँ पे ऊपर काम चालू है। ये भी जाएगा क्या अपने साथ? कम कम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के पास, और ये अपना देखो होम स्टे क्या मस्त लग रहा है यहाँ से, तब से साथ में चल रहा है ये। इसी तरह के एक श्वान जिसे हम कुत्ता भी कहते हैं हमारे साथ हो लिया। हाँ, और उसकी जर्नी ऐसी थी कि हमारे साथ उन्होंने रात बिताया, खाना खाया, रात बिताई, रात बिताई, कंबल ओढ़ के हमारे साथ सोया, रास्ते भर मौसम साथ दिया। अंधेरा भी हो रहा है और अपन लोग उत्तर इतनी स्पीड में रहे, मतलब चढ़ाई में हालत टाइट होने वाली है। हिंदी आता है? उधर नदी तक जा सकते ना, और नदी का किनारा दिख गया दोस्तों, आबादी आस पास कहीं हुई। वाह यार, ये अपन ने अच्छा डिसीजन किया यार आके, ये कितना खुश है देखो। फाइनली हम लोग यहाँ नदी के पास आ गए, और इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, आई कैन नॉट टेल यू, एंड द मोस्ट हैप्पी पर्सन इज दिस गाय। तो गाइस आज का दिन यहीं पे एंड होता है,
तो आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खाना वाना खाया, अभी ड्रोन उड़ाया। इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड द डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट्स वी आर ट्राइंग, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर एंड मसलाम। दार्जिलिंग, your beauty have not only touched my soul but also made me feel that I should come again, and I will be there for sure. Until next time, happy traveling.